ओम शांति। मीठे भाई और बहनों, आज का विषय है समय के साथ पुरुषार्थ की ओर। आप सभी बाबा के सच्चे बच्चे हैं, जैसे आज की मुरली भी आपने सुबह सुनी है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, आप सभी विशेष आत्माएं हो, क्योंकि आपने इस दुनिया को नहीं देखा कि तू नई दुनिया बनाने वाले को देखा। आप सभी सच्ची दिल वाले बच्चे हो, सारे विश्व के सामने एग्जाम्पल हो, चमकते हुए धरती के सितारे हो, होली सितारे हो, विश्व परिवर्तन के निमित्त हो। जैसे बाबा आया है सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए, और हम बच्चे भी बाबा के मददगार बच्चे हैं। बाबा ने हमको करोड़ों में से चुना है। अगर हम देखें, सारे अहमदाबाद में भी देखें तो कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से आप थोड़े से बच्चों को चुना है। तो ये नशा अपने अंदर हो कि हमने बाबा को पहचाना, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि पहचान नहीं सके, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं पहचान सके, धर्म नेताएं नहीं पहचान सके, राजनेताएं नहीं पहचान सके। हालांकि बाबा से मिलते रहे तो भी पहचान नहीं पाए, हमने उनको साधारण शरीर में पहचाना, शिव बाबा को पहचाना। तो अभी हमारा क्या फर्ज है, हमारी क्या ड्यूटी है? समय आप सभी देख रहे हैं कैसा समय है। ये जो अभी जो महामारी आई है सारे विश्व में, इसने हमें जो बाबा की मुरली में हम सालों साल से सुन रहे थे, कितने सालों से सुन रहे थे, 35-40 साल से सुन रहे थे कि बच्चे एक ऐसा समय आएगा जब आप घर से निकल नहीं पाएंगे, आप खिड़की से ही बाहर देख नहीं पाएंगे। तो वो समय जैसे अभी आ गया है, और अभी हमको ये जो लग रहा है, जो अभी लग रहा है सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, एक के बाद एक समस्या उभरने वाली है। खाली ये नहीं कि महामारी ख़त्म हो जाएगी, महामारी के साथ और फिर कई सारी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक समस्या, वर्ल्ड वॉर, और भी बहुत सारी, अकाल और सब तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब ऐसे समय की शुरुआत हो चुकी है जिसमें इसे कह सकते हैं हम आखिरी समय की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी हमें, अभी तक अगर हम जाग गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अभी नहीं जागे हैं तो अभी हमको, अभी जो है हमारा चीटी मार का पुरुषार्थ नहीं चलेगा, अभी तो उड़ती कला का पुरुषार्थ चलेगा। और ये भी थोड़ा समय है, अधिक समय नहीं, ये समय आखिरी का समय है। हम बच्चों को समय मिला है अपनी जो वीकनेसेस, कमजोरियां हैं, उनको भर लेने का, उन पर विजय पा लेने का। और जो बाप की हमसे शुभ आशा है कि मेरा हर बच्चा विशेष बच्चा है, हर ब्राह्मण बच्चा फरिश्ता सुदेवता बन करके, बीज रूप स्थिति को प्राप्त करके, हम बाबा के साथी, बाप के साथी बन करके जाएं, बाप के बराती बन के, बरात में नहीं जाना है, हमें बाप के साथी बन के जाना है। अगर हम बाप के साथी बन के जाएंगे तो हमें कोई भी, हमें धर्मराज की सजा नहीं मिलेगी, हम आराम से बाबा के साथ वाया सूक्ष्म वतन परम धाम में पहुँच जाएंगे, और सुख धाम में फिर बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ ही पहले पहले राज्य में नीचे आएंगे। तो ये चाहते हैं सभी, आप नहीं चाहते हैं, क्या समझते हैं आप, ब्रह्मा बाबा के साथ आना चाहते हैं या बाद में आना चाहते हैं? तो अभी आप सोचिए, अपने आप से बात करिए कि हम राजयोग सीख रहे हैं या प्रजायोग सीख रहे हैं। तो राजा बनना है या प्रजा बनना है? बाबा की मुरली में परसों भी आया ना, कल की मुरली में था कि महारथी घोड़े सवार प्यादे। बाबा की एक मुरली चली थी 75 या 76 में चली थी, बाबा ने बड़ा अच्छा उसमें समझाया था कि चार तरह के बच्चे हैं बाबा के, एक महावीर, एक महारथी
तीसरे घुड़ेस्वार और चौथा प्यादे। महारथी कौन है? महारथी अर्थात जो जिनका मन बुद्धि संस्कार मतलब था जिस आत्मा का, वो आत्मा ने अपने आप को इतना एम्पावर किया है कि वो मन बुद्धि संस्कार जो आत्मा के तीनों सूक्ष्म शक्तियां हैं उन पर भी विजय प्राप्त कर ली है, और साथ साथ जो पांचों कर्मेंद्रियां हैं आंख नाक कान मुख और त्वचा, ये जो हमारे पांच मुख्य कर्मेंद्रियां शरीर की पांच कर्मेंद्रियां उनको भी कंट्रोल कर लिया है, और साथ साथ शरीर के आठों अंग वो भी उनके वश में होकर चलते हैं। शरीर की 80,000 कोशिकाएं भी उनके वश में हैं। भले शरीर में बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर भी हो सकता है, और भी दमे की बीमारी भी हो सकती है, और भी कोई बीमारी हो सकती है, किंतु वो भी आत्मा की द्वारा जो सेवा हो रही, मनसा सेवा हो रही, उसको भी रोक नहीं सकती है। तो ये जो है हमारी ऐसी स्थिति बनी है कि नहीं बनी है? तो ये जो महारथी जो हैं उनका, और महारथी की निशानी है वो हमेशा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय बाबा की याद उनको रहती है, निरंतर याद रहती है, क्योंकि हमेशा बाप से कंबाइंड रहते हैं। जब बाप से कंबाइंड रहेंगे तभी आत्मा जो है राजा के रूप में स्वराज्य अधिकारी बन करके मन बुद्धि संस्कार पर राज करती है, और साथ साथ पांचों कर्मेंद्रियों पर राज करती है, पांचों कर्मेंद्रियां उसके वश में होती है। और महावीर बच्चे हुए हैं जो आदि से अंत तक एक बार भी माया के किसी भी रूप से हारे, उनकी हार नहीं हुई है, वो सदा विजयी रहे हैं। अर्थात जो अष्टरतन है, अष्टरतन आत्मा ऐसी आत्माएं हैं जिनको पांचों विकार में से कोई भी ना कामना भी कोई नहीं, इच्छा भी नहीं कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वो कामना भी उनको टच नहीं कर गई है, इच्छा भी नहीं है कोई उनको, और लोभ मतलब क्रोध कभी भी किसी बात पर रोब भी नहीं डाला किसी के ऊपर, कभी किसी के अवगुण नहीं देखे हैं, किसी से बदलने की भावना नहीं रखी है, लोभ नाम मान शान का लोभ भी रखा नहीं है उन्होंने। महावीर जो बच्चे हैं कभी भी नाम मान शान की इच्छा नहीं रख रही है, निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख में समान रहते हैं, और मोह किसी से भी उनका लगाव झुकाव प्रभाव नहीं है, किसी के लगाव में नहीं आते, किसी के झुकाव में, किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, और साथ साथ किसी तरह की चिंता और भय नहीं है, वो निश्चिंत हैं। और पांचवी बात जो है अहंकार, अहंकार का अंश भी नहीं है, निरहंकारी हैं, उनको कभी भी किसी बात का प्रेशर महसूस नहीं करते हैं, ना टाइम का प्रेशर, ना काम का प्रेशर, ना लोगों का प्रेशर, ना किसी ये काम जैसे मैं कहूँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा भी प्रेशर उनके अंदर नहीं होता है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं होती है। तो ये महावीर बच्चों की निशानी है। महारथी भी हमेशा बाबा से कंबाइंड रहते हैं, किंतु कभी ना कभी कोई इच्छा के रूप में काम विकार आ जाता है, कभी क्रोध रोब के रूप में आ जाएगा, लोभ कोई नाम माशन की इच्छा के रूप में कभी आ जाएगा, कभी मोह कोई चिंता होगी, कभी इस चीज कोई बात का डर थोड़ा सूक्ष्म डर भी लग सकता है, मतलब अर्थात कहीं ना कहीं वो माया से हार खा लेते हैं। तो ये जो है महारथी की निशानी। घोड़े सवार क्या है? घोड़े सवार के मेन निशानी है उनकी बुद्धि तो सत्व प्रधान बन जाती है, संस्कार भी कुछ हद तक कंट्रोल में आने लगते हैं, किंतु मन कंट्रोल में नहीं आता है, उनको वैध संकल्प चलते हैं, उनको कभी वैध संकल्पों की स्पीड पर उनका कंट्रोल नहीं होता। और प्यादे वो हैं जो मन बुद्धि संस्कार भी कंट्रोल में नहीं है, साथ साथ कोई ना कोई कर्मेंद्रिय के वश हैं, कभी कोई कर्मेंद्रिय, कभी कोई चीज देखने के वश हो जाते हैं, कभी कुछ पढ़ने के वश हो जाते हैं, कभी कुछ खाने के वश हो जाते हैं, मुझे यही खाना है, कभी कोई अच्छी सी गार्डन में गए तो फूलों की खुशबू आ रही है उसके वश हो जाते हैं, कभी किसी ने कोई अच्छी बात सुनाई तो उसके उसके वश हो जाएंगे, अर्थात तो वो प्यादे हैं, पैदल हैं, कोई ना कोई कर्मेंद्रिय उनको पकड़ के रखती है, किसी ना किसी रूप में पकड़ के रखती है। तो ऐसे हमारी स्थिति हो जाती है। तो अगर हमें बनना है, महावीर बनना है, तो हमें क्या करना होगा? और अभी समय है, क्योंकि जैसे आपने देखा अभी ये जो महामारी आई, क्योंकि बाबा ने कहा आने वाला जो समय है, अब जो आने वाला समय, अब बहुत जल्दी हम उसके पास हैं। अभी जो बाबा ने कहा समय पर, जो बाबा का मैसेज भी अभी आया था कि अभी हमको अभी थोड़ा समय हमको मिला है, ये लास्ट का समय है, अभी तो हम ऑनलाइन किसी से आपसे मिल रहे हैं, अभी ऑनलाइन भी ये तो साइंस के साधन के द्वारा मिल रहे हैं, और लोग आपस में दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, मोबाइल व्हाट्सएप इंटरनेट फेसबुक के द्वारा हम
कुछ एक्टिविटी कर पा रहे, क्योंकि तो थोड़े दिनों के बाद ये भी खत्म हो जाने वाला है। फिर एक ही लाइन रहेगी, हॉट लाइन, गॉड लाइन कह सकते हो, है ना, वो जो है वाइसलेस लाइन। जो वाइसलेस होंगे, जो कंप्लीटली पवित्र होंगे, उनको ही ये लाइन मिलेगी और वो ही बाबा की डायरेक्शंस को कैच कर सकेंगे। टचिंग पावर, कैचिंग पावर उनके अंदर होगी। बाबा से जो, बाबा जो उनको प्रेरणा देना चाहता है, वो टच, वो बाबा से उनको टचिंग होगी और कैच कर पाएंगे और उसके अनुसार उसको फॉलो करके आने वाले समय में वो उससे मुक्ति पा सकेंगे, प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकेंगे, विघ्न विनाशक बन सकेंगे, निर्विघ्न बन के अंत में बाबा के साथ मनसा सेवा करके, सारे विश्व की फरिश्ता रूप में सेवा करके फिर बाबा के साथ वापस घर जाएंगे। बाबा ने एक बार इशारा दिया था, जैसे अभी भी आपने देखा, जैसे आज की मुरली में बाबा ने इशारा दिया कि आने अभी अभी कैसा है, चारों तरफ विनाश का सीन होगा, है ना। तमोगुणी जो हमारी प्रकृति भी, प्रकृति तमो प्रधान बन चुकी है और जितनी भी आत्माएं हैं ये भी तमो प्रधान अवस्था में, तमोगुणी अवस्था में, इतने इतने लोग इकट्ठे मरेंगे, अचानक मृत्यु होगी, अकाले मृत्यु होगी, है ना, अचानक समूह में मृत्यु होगी, बहुत सारे लोग एक साथ मरेंगे, जब भूकंप आएगा तो बहुत सारे करोड़ों लोग मर जाएंगे। अगर एटॉमिक बम की, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम की अगर लड़ाई शुरू होगी तो उससे भी हजारों लोग एक साथ, हजारों लाखों लोग एक साथ मरेंगे। तो ऐसी ऐसी समस्याएं जो आने वाली हैं, तो उनसे कितना, वो जब तमोगुणी आत्माएं जो है शरीर छोड़ेंगी तो क्या क्या उनके, उनसे कैसे वाइब्रेशन निकलेंगे, कैसा खूनी नाहक वायुमंडल होगा, उसमें अपने आप को भी सेफ बनाना है और हमें सेवा भी करनी, मनसा सेवा भी करनी। तो बाबा ने एक बार कहा था, अभी आने वाले समय में चार प्रकार की आग लगने वाली है, वो चारों तरफ चार प्रकार की आग होगी। पहली आग होगी विनाश की आग, दूसरी आग जो होगी वो पांचों विकारों की आग होगी, तीसरी जो आग होगी वो है देह, देह के संबंध और पदार्थ के लगाव की आग होगी, चौथी आग होगी पश्चाताप की आग होगी। अगर इन चारों आगों में से कुछ भी अपने अंदर अंश भी रहा होगा, विनाश की आग का थोड़ा सा भी अंदर डर होगा, थोड़ा सा भी अंश होगा, तो ये अगर मेरे अंदर है तो ये बाहर जो आग लगेगी पांचों विकारों की, विनाश की आग जो होगी वो मुझे पकड़ लेगी, क्योंकि मेरे अंदर उसका अंश है, वो पकड़ लेगी और मेरे को उस समय मैं कुछ भी ना मनसा सेवा कर पाऊंगा, बल्कि मेरे के अंदर ही खुद ही इतना भय भर जाएगा और मैं कुछ भी मतलब आगे ना सेवा कर पाऊंगा ना पुरुषार्थ कर पाऊंगा। दूसरी जो बात है वो है पांच विकारों की आग। जैसे जैसे अभी हम विनाश के नजदीक आते जा रहे हैं, अंतिम समय के नजदीक आते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे जो पांच विकार और तेजी से आएंगे। जैसे अभी आप देखिए मोबाइल के द्वारा कितने पांच विकारों का अंश, आज मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल, टेलीविजन अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, आप जो चाहे देख सकते हो। तो आज छोटे छोटे बच्चे भी इससे प्रभावित हो चुके हैं, डिजिटल टॉक्सिसिटी हो गई है, डिजिटल एडिक्शन हो गया है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड फोन है, जिसके द्वारा आप सब तरह की चीज़ों से एक्सपोज हो गए। तो आप जो है ये जो है ये कोरोना से भी एक्सपोज, कोरोना से एक्सपोज से भी ज़्यादा खतरनाक मोबाइल का एक्सपोजर है, जिसके द्वारा आज हमें आराम, जितने भी मनुष्य बच्चे स्पेशली यूथ जनरेशन है वो बहुत तेज़ी से प्रभावित हो रही है। तो अभी हमें समझना है कि ये जो पांच विकारों की जो आग लगने वाली है, ये जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनका वंश है बहुत बड़ा, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, शक, अनुमान, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में अवगुण दिखाई देना और बदला लेने की भावना, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके द्वारा नेगेटिव जो हमारे अंदर इतना भर जाएगा, नेगेटिव हमारी विचार, भावनाएं, वृत्ति और स्मृतियां इमर्ज हो जाएंगी, दबी हुई वृत्तियां, दबी हुई संकल्प, भावनाएं इमर्ज हो जाएंगी, जो पहले कभी नहीं हुई वो इमर्ज हो जाएंगी। तो ये पांच विकारों के विनाश, अगर मेरे अंदर पांच विकारों का कोई भी अंश भी रह गया है तो अंश में विनाश के समय वो वृत्ति जागृत हो जाएगी, वो बाहर जो आग लगी हुई है वो मेरे को ही पकड़ लेगी। इसे चेक कर लो कि मेरे अंदर कोई भी पांच विकारों में से किसी भी अंश भी तो मेरे अंदर नहीं है। चेक करो गहराई से, महीनता से पुरुषार्थ करो, क्योंकि महान बनना है तो हमें महीनता में जाना होगा। तीसरी जो बात है, तीसरी जो हमारे अंदर जो आग है वो है देह, देह के संबंध और देह के पदार्थ के लगाव की आग। क्योंकि अभी जो है सभी के सभी इंसान धरती पर अपने को देह समझ करके जी रहे हैं,
देह को ही सब कुछ समझते हैं, रोल को ही सब कुछ समझते हैं, और देह के संबंध माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, है ना, बिजनेस पार्टनर, इनमें ही सारा टाइम बुद्धि रहती है। तो उनसे ही हमारा संबंध संपर्क बहुत गहरा रहता है। और देह के पदार्थ, प्रॉपर्टी है, मकान है, कार है, जायदाद है, तो जो भी हमारी बिलोंगिंग्स हैं, उन पदार्थों के लगाव की आग। और ये आग क्योंकि जैसे जैसे विनाश होगा, सभी ने पैसे जोड़े हैं, चीज़ें जोड़ी हैं, मकान जोड़े हैं, कारें बन रखी हैं, प्रॉपर्टी बनाई है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा लगाव सबका हो गया। अगर इसको कुछ भी होगा तो क्या होगा, अगर अपने अंदर भी चेक कर लें हम सभी ब्राह्मण, कि हमारे अंदर कहीं ऐसा तो नहीं अपने देह से लगाव हो, किसी के देह के संबंधी से, माँ बाप से, भाई बहन से, पति पत्नी से, बच्चों से, किसी से ऐसा लगाव तो नहीं हो गया, अटैचमेंट तो नहीं हो गई है, ऐसी आग तो मेरे अंदर नहीं है। क्योंकि जब आखिरी में जब थोड़े दिन के बाद विनाश, ऐसा विनाश होगा और ये आग बाहर होगी तो मुझको भी पकड़ लेगी और मैं भी उसी आग में जल जाऊंगा। और फिर चौथी आग जो है वो पश्चाताप की आग। आखिरी में जब विनाश शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिसमें प्रत्यक्ष होंगे, उड़ने वाले भी प्रत्यक्ष होंगे, मतलब फरिश्ता बनने वाले ही प्रत्यक्ष होंगे, फरिश्ता से देवता बनने वाले प्रत्यक्ष होंगे, रुकने वाले भी प्रत्यक्ष होंगे, और फिर हमें पश्चाताप, एक एक प्राप्ति करने वालों की लाइन होगी, दूसरा पश्चाताप करने वालों की लाइन होगी। वो जो है प्राप्ति करने वाले तो बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि उनको स्वर्ग उनके आंखों के सामने होगा, अपना शांति धाम और स्वर्ग राजधानी सामने होगी आंखों में, उसी के सीन सीनरी देख रहे होंगे। और जो ऐसे रह जाएंगे उनको पश्चाताप करते हो, उनके आंसू बाबा कहते कई बार रोएंगे। तो ये चारों में से कोई आग है तो अपने अंदर चेक करो, क्योंकि वही समय होगा जब हमें शीतला माता बनना पड़ेगा, शीतला शीतला शक्ति बनना पड़ेगा हमारे अंदर। हमें जब परमात्मा, आत्मा परमात्मा से कंबाइंड रहेगी तो हमारे अंदर वो एनर्जी आएगी, सातों एनर्जी के माध्यम से हमारे अंदर शीतला, शीतल रहने की शक्ति आएगी, शीतल करने की शक्ति आएगी। तो जो पहली जो आग है बापा ने बताई थी, विनाश के ज्वाला की आग, उसका इलाज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका है निर्भयता की शक्ति, जो आज की मुरली में भी था, सत्यता की शक्ति और निर्भयता की शक्ति, है ना। तो ये जो जो शक्ति है, ये जो अपनी जो निर्भयता की शक्ति है, निर्भयता का अर्थ क्या है, निर्भयता की शक्ति दो चीज से पैदा होती है, पहले सत्यता से, दूसरी पवित्रता से। जितनी मैं सत्यता का मतलब क्या है, सत्यता का मतलब अर्थ है कि अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप, जो मेरा ओरिजिनल सत्य स्वरूप था, जिसमें मैं आत्मा पावन सत्व प्रधान थी, परम धाम में मैं आत्मा संपूर्ण पावन सत्व प्रधान थी, आत्मा सातवें एनर्जी से भरपूर थी, चमकता हुआ सितारा थी, वो मेरा जो आदि स्वरूप है, आदि ज्योति बिंदु स्वरूप है और आदि पावन सत्व प्रधान देवी देवता स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा प्रमुदर्व। अहिंसा प्रमुदर्व माना काम विकार छोड़ा तो लाइट का ताज आ गया, क्रोध लोम अहंकार और इनके बाल बच्चों को छोड़ा, अंश और वंश को छोड़ा तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। तो ये जो मेरी स्थिति है, मुझे इस स्मृति, मेरी स्मृति की फाइलें खुल जाए, तो ये है सत्यता। इस सत्य स्वरूप में स्थित होकर हर संकल्प, बोल, कर्म करना, संबंध संपर्क में आना और किसी भी बुराई व अवगुण को संकल्प, बोल, कर्म से भी टच ना करना, तो ये सत्यता की शक्ति। पवित्रता, पवित्रता की शक्ति क्या है, जब हम अपने सत्य स्वरूप को देखने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं कि मैं अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा परम धाम में बाबा के साथ स्थित हूँ और सत्युग में ब्रह्मा बाबा के साथ, रॉयल फैमिली में मैं ब्रह्मा बाबा के साथ हूँ अपने पावन सत्व प्रधान देवी देवता स्वरूप में, उसको आप देखो, उसको आप इमर्ज करो, इमर्ज हो जाएगा, आपकी बुद्धि में इमर्ज हो जाएगा। तो और अपना तो पवित्रता और सत्यता में क्या फर्क है, अपना सत्य स्वरूप में स्थित होकर के दूसरे के भी सत्य स्वरूप को अनुभव करना, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे दोस्त हो, बिजनेस पार्टनर हो, घर में नौकर चाकर हो, काम वाली बाई हो, कोई भी हो, बहन हो, भाई हो, मेल हो, फीमेल हो, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप में, और सामने वाले जिनसे आप संबंध संपर्क में आ रहे हो उनके भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप को देखो, महसूस करो, अनुभव करो, और फिर सत्य की समझ के साथ व्यवहार करो कि मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ, यह भी शुद्ध आत्मा, मैं भी परमपिता परमात्मा शिव बाबा के संतान हूँ, मैं ये भी उस परमपिता परमात्मा शिव के संतान हूँ, मेरे सर्व संबंध उनके साथ है, इनके इसके भी सर्व संबंध उनके साथ है।
ये भी मैं आत्मा भी अपने कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार मैंने जन्म मिला है, और जो भी दुख सुख मुझे मिले मेरे पिछले जन्म कर्मों के हिसाब किताब है, और अभी जो मुझे मिला है बाबा की समझ में, बाबा ने मुझे अपनी गोद शुद्ध से ब्राह्मण बनाकर अपनी गोद में बिठा के बाबा मुझे राजयोग सिखा रहे हैं, और राजयोग सिखा करके रचता और रचना के आदि मध्यम का ज्ञान समझा करके बाबा मुझे पावन सत्व प्रधान ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता सो बीज रूप स्थिति बना करके मुझे अपने साथ वापस स्वीट साइलेंस रूम में ले जा रहे हैं वाया सूक्ष्म वतन और फिर सुखधाम में भेज रहे हैं। तो ये अपने अंदर से इतनी क्लैरिटी वर्तमान के बारे में होनी चाहिए और भविष्य के बारे में कि भविष्य में मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाला हूँ और फिर बाप के साथ वापस घर जाने वाला हूँ वाया सूक्ष्म वतन और सुखधाम में आने वाला हूँ। तो ये जो स्थिति है, ये जो स्मृति अपने अंदर से इमर्ज हो जाए, तो ये जो है हमारी पवित्रता की स्थिति है। इस सत्य की समझ के साथ मुझे बिहेव करना है। सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद और शक्तियों से भरपूर, अष्ट शक्तियों से भरपूर होके मुझे उस आत्मा से बिहेव करना है। किसी से भी लगाव झुकाव प्रभाव टकराव ना हो, मैं किसी भी आत्मा, मेरा सारा लगाव झुकाव और प्रभाव बाबा के साथ होना चाहिए, शिव बाबा के साथ होना चाहिए, बाप दादा के साथ होना चाहिए। मुझे बाप दादा के लगाव में रहना है, बाप दादा की तरफ मेरी बुद्धि बार बार जाए, मन जाए, बाप दादा के प्रभाव छत्र छाया में मैं रहूं, टकराव किसी से भी ना हो, किसी भी बात में क्या क्यों कैसे नहीं हो, चाहे ड्रामा में कुछ भी हो, अपने सामने को कुछ भी करे, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे नॉन वीके हो, किंतु मुझे डायरेक्टर बैठा है, क्रिएटर बैठा है, वो संभाल रहा है, किंतु मुझे मेरे मन में संकल्प चले वह संकल्प चले, ये भी अपवित्रता है। निराकारी बाप से कंबाइंड रहना, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, और हर संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क हर श्वास हर संकल्प समय में सेकंड में मुझे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, चेक करना है अगर ये ब्रह्मा बाबा का बोल था, क्या ब्रह्मा बाबा ने सोचा, क्या ब्रह्मा बाबा ऐसे सोचता जैसे मैं सोच रहा हूँ, कंपेयर कर लो, अगर ब्रह्मा बाबा ने ऐसे सोचा तो आप भी सोच लो, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा बोला तो आप भी बोल लो, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा कर्म किया इन परिस्थितियों में तो आप भी कर, कॉपी करो बिल्कुल। तो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, तो ये पवित्रता की स्थिति है। जब पवित्रता की स्थिति ऐसी आती है तो निर्भयता आती है। निर्भयता का अर्थ क्या है, मेरी बुद्धि रूपी आत्मा के पास दो आंख है, एक तो बुद्धि रूपी आंख, एक मन रूपी आंख, ये दो राइट और लेफ्ट आंख नहीं, बुद्धि रूपी आंख मेरी कहां लगी रहे हमेशा, बुद्धि योग कहते हैं ना, परम धाम में बाबा के साथ कंबाइंड रहे, मैं आत्मा बिंदी बन करके परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड रहूं, मेरी बुद्धि रूपी आंख सदा परम धाम में लगी रहे, शांति धाम में लगी रहे, ये मेरी निर्भयता। और दूसरी जो मेरी आंख है मन रूपी आंख, वो अपने लक्ष्य की तरफ लग रही है, अर्थात मुझे सत्ययुग में सुख धाम में परमात्मा के, मतलब जो मेरे लक्ष्मीनारायण का स्वरूप है, सोने के महल, सोने हीरे जवाहरात के महल में मैं अपने महल में हूँ और ब्रह्मा बाबा के साथ हूँ, ब्रह्मा बाबा श्री नारायण के रूप में है और मम्मा लक्ष्मी श्री लक्ष्मी के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में मैं उनके साथ हूँ, ऐसी स्थिति रॉयल फैमिली में हूँ, ये अपने आप को बार बार इमर्ज अंदर मन में यही संकल्प चलते रहे, यही भावना चलती रहे। तो जब ऐसी निर्भयता की हमारे अंदर शक्ति होगी तो क्या होगा, संसार में विनाश हो रहा होगा, पांचों तत्व एक साथ अटैक कर रहे होंगे, एटॉमिक बम की लड़ाई हो रही होगी, हाइड्रोजन बम चल रहे होंगे, चारों तरफ अर्थक्वेक्स होगा, सुनामी आ रही होगी, चारों तरफ हाई हाई तो नई नई बीमारियां आएंगी, जैसे अभी आपने ये महामारी देखी, कितने लोग चारों तरफ लाश ही लाश का ढेर होगा। तो ऐसी स्थिति में वो लोग तो करेंगे हाय मरा, हाय में मरा, हाय में मरा, किंतु जो बाबा के बच्चे हैं वो क्या कहेंगे, बाबा के बच्चों को क्या नजर आएगा, अपना घर स्वीट होम नजर आएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि कहाँ लगी हुई है, हमारी बुद्धि परमधाम में लगी हुई है, बाबा के साथ लगी हुई है, पावर हाउस से लगी हुई है, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद और सर्वशक्तियों के अशक्तियों के सागर के साथ, पावर हाउस के साथ कंबाइंड है। तो मुझे मेरी बुद्धि वहां लगी हुई है और मेरा मन कहाँ लगा हुआ है, सुखधाम में लगा हुआ है, अपने भविष्य स्वरूप में कि मुझे ये बनना है, ये शरीर छोड़ना है और ये बनना है, अर्थात मेरे को क्या हुआ, मेरी बुद्धि में दो ही चीज होंगी, स्वीट होम और राजधानी। वो लोग कहेंगे हाय मरा और हम क्या बोलेंगे, मैं अपने घर में गया, अपने मीठे घर में गया और अपनी मीठी राजधानी में गया। तो मेरी आंखों के सामने क्या होगा, बस घर होगा, परमधाम होगा और सुखधाम होगा। तो बल्कि हम तो क्या, बाबा ने एक बार कहा था कि आप लोग तो घुंघरू बांध के नाचोगे, इतनी खुशी आपको होगी हमेशा उस समय, इतने साक्षात्कार आपको होंगे आने वाली दुनिया के, सत्य की सीन सीन सीनरी आपको दिखाई देंगे,
अपना अपना घर दिखाई देगा, अपना महल दिखाई देगा, अपना पद दिखाई देगा, तो आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी। जब विनाश की आग अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको जरा भी सेक भी नहीं लग सकता है, और सर्व आत्माएं, दुनिया की सर्व आत्माएं आपकी तरफ आकर्षित होकर के आएंगी। आप यहां बैठे भी, कहीं भी आप हैं, दुनिया किसी कोने में भी हैं, और वो आपकी दृष्टि के द्वारा, आपके आपके द्वारा, वो आपके फरिश्ता स्वरूप के द्वारा, चाहे वो यूएस में कोई है तो आपके फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होगा, और उनको ऑटोमेटिक उनकी जो अंदर जो आग लगी होगी विनाश की, ये जाने वाला, ये होने वाला, उसकी बजाय उनके अंदर से शांति आ जाएगी, प्यार खुशी आनंद का अनुभव होगा, बाप के साथ का अनुभव होगा, आपके फरिश्ता स्वरूप का अनुभव होगा। ये पहली आग है। दूसरी आग कौन सी बताई थी? पांच विकारों के, पांच विकारों की आग से बचने का साधन क्या? अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप इमर्ज करो, बार बार इसी स्थिति में, बार बार अपने परमधाम के स्वरूप में स्थित रहो, बार बार जो सुदर्शन चक्र घुमाते रहो, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं बाबा के साथ परमधाम में, बहुत ही बाबा जैसे सितारा है, वो चमक रहा है, उसके साथ मैं भी चमक, मेरी भी चमक भी बहुत विशेष है, पावन सतो प्रधान, मैं बिंदु, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, सात गुणों से भरपूर हूँ, सात गुणों से एकदम भरपूर, सत्य की समझ से भरपूर, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतिद्र सुख, आनंद, अर्ष शक्तियों से भरपूर, तो ऐसी मेरे पे लाइट मुझे आत्मा में भरी हुई है, तो वो अपना देखते रहो, और आदि देवता स्वरूप को देखते रहो, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? कमल सर्वगुण माना जो हमारे 36 दैवी गुण है, ये 56 दैवी गुण है, हर गुण मेरे अंदर उससे संपन्न हो, एक भी गुण कम ना हो। 16 कला संपूर्ण का मतलब हर गुण में 100% हो, 16 कला माना 16 आना, मतलब ये नहीं कोई गुण मेरा के अंदर कम हो, नहीं, कोई गुण 80%, कोई 90%, नहीं, 100%, हर गुण 100%, 16 कला, हर गुण में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, जरा देहभान का जरा भी अंश ना हो, अर्थात मेरे अंदर, मेरी वृत्ति में, मेरी बुद्धि में, मेरे मन संस्कार में जरा भी देहभान का अंश ना हो, किसी विकार का अंश और वंश भी ना हो, तो उसे कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। मेल फीमेल के भान से परे हो, अर्थात मेरा मन बुद्धि संस्कार, मेरी पांचों कर्मेंद्रियां, मेरा शरीर में जरा भी विष का कोई अंश ना हो, तो वो संपूर्ण निर्विकारी स्टेज होगी। विष्णु माना विष का अणु भी ना हो। और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? मेरे नयन कमल नयन के कमल के समान न्यारे प्यारे हों, किसी चीज में अटके नहीं, फंसे नहीं, मुख भी कमल मुख, कमल मुख, कमल नासिका, कमल करण, कमल हस्त, कमल पैर, मतलब हर चीज मेरी कमल के समान न्यारी प्यारी होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम 100% मर्यादा से भरपूर हो। और जो तीसरी जो बात है, जो है जो आखिरी आगे बात, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात मेरे अंदर किसी तरह की हिंसा ना, काम विकार की हिंसा ना, क्रोध की हिंसा ना, लोभ की ना, मोह की ना, अहंकार की हिंसा, कोई भी हिंसा का, और इनके जो बाल बच्चे हैं, इनके अंश वंश हैं, जो मैंने बताया आलस्य अलबेलापन का अंश भी मेरे अंदर नहीं हो, दूसरों में दोष निकालने की आदत भी ना हो, बदला लेने की भावना भी ना हो, शक अनुमान की आदत भी ना हो, चिंता भय भी जरा भी ना हो, और जरा भी किसी बात में जल्दीबाजी ना हो, हर चीज में पेशेंस हो, किसी चीज का प्रेशर ना हो मेरे ऊपर, और किस जरा भी ईर्ष्या द्वेष ना हो, अगर मेरी ऐसी स्थिति है तो ये कहेंगे अहिंसा परम धर्म। अगर हमने काम विकार छोड़ दिया तो लाइट का ताज आ गया, जो कि सेवा के लिए बहुत जरूरी है। एक्चुअली अहिंसा परमो धर्म एक्चुअली ब्राह्मणों का, देवताओं का गुण तो है, किंतु वो अभी हम ब्राह्मणों का भी गुण होना चाहिए। हम ब्राह्मणों को अहिंसा परमो धर्म अभी बनना है, सर्वगुण संपन्न अभी बनना है, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम अब बनना है। सत्युग में जाके नहीं बनेंगे, सत्युग में तो हम ऑटोमेटिक होंगे, उसके स्वरूप होंगे, किंतु अभी हमको बनना है, अभी अहिंसा परमो धर्म भी अभी बनना है। अर्थात मेरे अंदर जब काम विकार का अंश भी खत्म हो जाएगा, इच्छाएं भी नहीं रहेंगी, कामना भी नहीं रहेगी, तो मेरा लाइट का ताज बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब क्रोध लोभ मोह अहंकार और उनके बाल बच्चों का अंश खत्म हो जाएगा, तो मेरे सिर पर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ जाएगा। क्योंकि जब तक जरा भी क्रोध है, बाबा मुझे विश्व कल्याण के लिए यूज नहीं कर सकता है, बाबा मुझे विश्व कल्याण के लिए यूज कर ही नहीं सकता है। जरा भी लोभ है कोई चीज का, नाम वांछन की इच्छा भी है, तो बाबा मेरे को विश्व कल्याण के लिए यूज नहीं कर सकता है। जरा भी किसी से मोह है, जरा चिंता का भय का अंश भी है, तो बाबा मेरे को विश्व कल्याण के लिए यूज नहीं कर सकता है। जरा भी किसी बात का अहंकार है ना, कोई मुझे थोड़ा सा सूक्ष्म में अपनी विशेषता का भी अहंकार है, तो बाबा मुझे विश्व कल्याण की सेवा के लिए यूज नहीं कर। जितना हमारे अंदर पांचों विकार का अंश खत्म हो जाएगा, तभी हम बाबा के
बाबा के लिए, विश्व की सेवा के लिए हम अधिकारी बन सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी बात हो गई, है ना। तो ये हमारी जो हमने बताया, जैसे दूसरी बात हो गई कि हमारा जो पांच विकारों के बचने के लिए, आग से बचने के लिए हमें चेक करो कि हमें हमारे अंदर ये अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप की चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय ये हमारी स्थिति रहनी चाहिए, क्योंकि विनाश कभी होगा पता नहीं है। अचानक बाबा ने कहा अचानक बहुतकाल एवरेडी, एवरेडी का मतलब क्या, संपन्न और संपूर्ण। जब बहुत काल संपन्न और संपूर्ण रहने का अभ्यास होगा, बहुत काल संपन्न और संपूर्ण का मतलब क्या, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण। संपन्न संपूर्ण का मतलब क्या है, सोलह कला सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। इसकी पांचवी जो पांच जो विशेषताएं हैं देवी देवताओं की, इसका हमें बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए, तब एवरेडी का मतलब ये एवरेडी में ना संपन्न संपूर्ण और अचानक, तब बहुत काल इसका अभ्यास होगा तो अचानक के पेपर में हम पास विद ऑनर होंगे, नहीं तो पास विद ऑनर नहीं हो पाएंगे, है ना। तो जो क्योंकि हमें राजयोग में ना, राजयोगी का मतलब ही राजा बनने का है। और तीसरी आग कौन सी थी, देह के संबंध और पदार्थ के लगाव की आग। इससे अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सोचिए आप, क्योंकि दुनिया में आज सभी इसी में फंसे हैं, देह के संबंध, देह के पदार्थ और देह के इसके लगाव की आग मंदर फंसी, इसी में ममता लगी हुई है, ये सारा दिन इसी के बारे में विचार चलते हैं, तो क्या करना होगा बताइए, सोचिए इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कि इसके लिए मुझे बाबा को ही अपना संसार बनाना पड़ेगा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, क्योंकि बाबा ने, जब बाबा मेरे जीवन में आया, बाबा ने मुझे सर्व संबंध से अपना बनाया तो क्या हुआ, जब बाबा मेरे जीवन में आ गया अर्थात बाबा मेरे दिल में आके समा गया, तो बाबा ही मेरा संसार है, क्योंकि मेरा शरीर रोगों से भरा पड़ा था, मेरा मन विकारों से भरा पड़ा था, तो जब बाबा मेरी दिल में आके बैठा, मेरी चेतना में आ गया, तो क्या हुआ, पांचों विकारों ने मुझे छोड़ दिया, अपने आप ही भाग गए, क्योंकि जहां काम है वहां राम नहीं, राम है जहां काम नहीं, तो जैसे ही बाबा आया सारे विकार मेरे से भाग गए, है ना। तो बाबा मेरा संसार, बाबा से हर संबंध की अनुभूति, बहुत गहराई से एक संबंध की अनुभूति बनने लगी है, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि हमें हमारी जो है, बाबा जब हमारा संसार बन जाएगा, एक एक संबंध से बाबा के साथ की अनुभूति हो जाएगी, एक एक गुण की अनुभूति बाबा के साथ हो जाएगी, बाबा से कंबाइंड रहेंगे, मन बुद्धि को इस देह और देह की दुनिया से समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड रहेंगे, तो हमें सत्य की समझ, एक्यूरेट ज्ञान क्या है समझ तब आएगा, है ना। ज्ञान का मतलब समझ, ज्ञान सत्य की समझ हमको आएगी, कि ज्ञान का मतलब ही बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, हम सब आत्मा है बिंदी, एक परमात्मा बाप के बच्चे, बिंदी बाप के बच्चे, वो पावर हाउस है, और उससे मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज का मतलब सातों गुण मेरे अंदर भर, सातों प्रधान माना सात, तो माना सात प्रधान माना भरपूर, सातों गुणों से भरपूर आत्मा हो जाएगी। पहले मैं आत्मा तमो प्रधान थी, तमो प्रधान का मतलब तमो मीन्स अंधेरा, प्रधान मतलब मेरे अंदर सातों गुण लगभग ना के बराबर हो गए थे, अब जब मुझे मैं आत्मा बिंदी आत्मा बन, ये यथार्थ याद है, जब मन बुद्धि को इस दुनिया से समेट के बिंदी आत्मा बन के और परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाएंगे, इसको बोलते हैं यथार्थ याद। इसके द्वारा विक्रम विनाश होते हैं, इसके द्वारा ही हमारे जो हमने 63 जन्म पापक्रम किए हैं, तो जीरो स्टेज में हमारे पापक्रम विनाश होना शुरू होते हैं, तो इसका हमें बहुत गहरा अभ्यास होना चाहिए। तो ये जो है हमारी स्थिति जो है, जैसे तो जिस तरह से जब हम करने लगेंगे और बाबा ही मेरा संसार बन जाएगा, हर संबंध से हम बाबा को याद करेंगे, हर समय बाप के साथ का अनुभव करेंगे, तो फिर हमें क्या होगा, ना देह के संबंध, ना देह के पदार्थ, बाबा ही मेरा सब संबंधी है, बाबा ही मेरी जो भी मेरे दैवी गुण जो बाबा से मुझे गुण मिले हैं, सात आत्मा के गुण, नेचुरल सात एनर्जी हैं, वही मेरी प्रॉपर्टी है, और जो सात जो बाबा से मुझे दैवी गुण, जो 56 दैवी गुण जो मुझे प्राप्त हुए हैं, वही मेरा सब कुछ है। तो जब इसमें हम खोए रहेंगे तो मुझे भले ही देह छूटे, सारे देह के संबंध चले जाएंगे, सब छोड़ जाएंगे, और देह के पदार्थ सब
खत्म हो जाएंगे तो भी हमको हमारा मन विचलित नहीं होगा, वो आग हमको पकड़ेगी नहीं, हमारी बुद्धि उधर जाएगी नहीं। बहुत मुश्किल पेपर है ना। और चौथा जो होगा पश्चाताप किया है ना, उसके लिए अभी सर्व प्राप्ति कर लो, अभी भी कुछ समय है बाकी। एक एक संबंध की प्राप्ति, बाबा के साथ माँ का संबंध क्या होता है, पिता का संबंध क्या होता है, शिक्षक का संबंध क्या होता है, सतगुरु का संबंध क्या होता है, एक 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 एक, एक, एक संबंध की अनुभव की अथॉरिटी बन जाए। बंधु बड़ा भाई का संबंध क्या होता है, सखा का संबंध, दोस्त का संबंध क्या होता है, साजन का संबंध क्या होता है, सज्जन सज्जन बाबा मेरा सज्जन है उसका संबंध की अनुभूति, गहराई से अनुभूति। और साथ साथ जो मेरा जो है बाबा मेरा वारिस है, बच्चा है, जैसे आज की मुरली में सुना ना बाबा ने, दीदी ने क्या कहा, या तो बाप को अपना बच्चा बना के उसकी उंगली पकड़ लो, या आप बाप के बच्चे बन के अपनी उंगली बाप को दे दो। तो ये नशा कि बाबा के साथ एक एक प्राप्ति की अनुभूति कर लो, ज्ञान सत्य की समझ की, सत्य की समझ की महीनता क्या है, ज्ञान की गहराई में चले जाओ, उसके अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ, पवित्रता की महीनता क्या है उसकी अनुभव की अथॉरिटी में बन जाओ, शांति क्या है, रूहानी प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, उसकी गहराई में जाके उसके अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। बाबा के साथ कैसे मैं अनुभव की अथॉरिटी, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कर रही हूँ, आनंद की प्राप्ति कर रही हूँ, आठ शक्तियां, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति, अस शक्तियां, एक एक शक्ति को यूज करके उसके अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। जब ऐसी हम सर्व प्राप्तियां, ज्ञान गुण और शक्तियां, ज्ञान तो ये ज्ञान हमारे सत्य की समझ, बाबा एबीसीडी जिसे हम कहते हैं, आत्मा बाबा कनेक्शन ना संबंध और ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा, सत्ययुग तैयार द्वापर कलयुग में हमने कैसे 84 पार्ट जन्म का पार्ट निभाया है और कैसे कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हमें इस जन्म में साथी मिले हैं, शरीर मिला है, कर्म भोग मिले हैं और बाबा मिला है ना, बाबा हर संबंध के रूप में हमें मिला है, इसी गहराई में उतर जाओ। जब ऐसे आप अपने आप से महसूस करेंगे तो ज्ञान गुण, गुण ये पांच गुण है बीच में, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतीन्द्र सुख, आनंद, और इन जब इन पांचों गुणों का हम जीवन में प्रयोग करते हैं, ज्ञान और गुणों का जब जीवन में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर आठ शक्तियां आने लगती हैं, तब हम सत्य को परखने लगते हैं। जब पवित्रता हमारे अंदर आ जाती है, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, ये जो पांच जो गुण है और पीछे से पहले ज्ञान है, जब हमें सत्य की समझ आ जाती है, पांच गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं, तब हम सत्य को परखने, हमारा विवेक जागृत होता है, सत्य को परखने शक्ति आ जाती है, राइट रॉन्ग को हम तुरंत परख सकते हैं, यथार्थ निर्णय कर सकते हैं, हमारे अर्थात हमारी निर्णय शक्ति में दिव्यता आ जाती है, दैवी गुणों पर आधारित हमारी निर्णय शक्ति हो जाती है, तब हम विस्तार को सार में ला सकते हैं, तब हम अपनी मन बुद्धि को इस देह और देह की दुनिया, पुरानी देह और पुरानी देह की दुनिया से हटा करके या समेट से विस्तार, इसके विस्तार से, इसके विस्तार को सार में समेट सकते हैं, सार में माना अपनी बुद्धि और मन में से देह देह के संबंध, संपर्क, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार को निकाल देते हैं तो हमारी बुद्धि और मन पवित्र शुद्ध हो जाती है, अर्थात मेरा सूक्ष्म शरीर लाइट, उसमें लाइट भर जाती है, लाइट का शरीर बन जाता है, सूक्ष्म शरीर में लाइट का शरीर बन जाता है, पवित्र मेरे बुद्धि और मन संस्कार में जब पवित्रता भर जाती है, इसी को हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर, तब ये सूक्ष्म शरीर आत्मा इस सूक्ष्म शरीर के साथ, लाइट के ऑरा के साथ, लाइट के शरीर के साथ, सूक्ष्म माना ब्रह्म शिव बाबा का दिल, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने एक लगन, लगन की अगन वाला पुरुषार्थ किया, ज्वाला स्वरूप तपस्या की, उनकी बुद्धि में सिर्फ एक बाबा सदा रहा, बाबा की श्रीमत रही, तो उन्होंने जैसे पुरुषार्थ करके अपनी बुद्धि को, मन को, संस्कारों को संपूर्ण पावन सत प्रदान बना लिया, अर्थात अपनी लाइट की बॉडी बना ली, और 18 जनवरी 1969 को उन्होंने साकार शरीर को छोड़ दिया और छोड़ करके उस लाइट की बॉडी के साथ सूक्ष्म वतन अर्थात शिव बाबा, दिलाराम शिव बाबा की दिल में जाके समा गए। तो ये शिव बाबा का दिल तख्त, तो ब्रह्मा बाबा जैसे शिव बाबा के दिल तख्त पे जाके विराजमान हो गए। और क्योंकि ब्रह्मा बाबा का दिल सच्ची और साफ थी, अर्थात उनकी दिल में, उनकी चेतना में शिव बाबा के अलावा कोई नहीं था, इस बाबा, शिव बाबा और शिव बाबा द्वारा दिए हुए ज्ञान, सत्य की समझ के अलावा उनके दिल में कुछ भी नहीं था, क्योंकि दिल सच्ची थी और साफ थी, तो उसमें दिल में शिव बाबा आकर के
परमधाम से आके बैठ गए, विराजमान हो गए। तो इसको कहते हैं बाप दादा। हमको भी क्या करना, फॉलो फादर करना पड़ेगा। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ऐसे ही हमको अपने अपने बुद्धि से और मन से देह, देह के सर्व संबंध, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार, देह के स्वभाव क्या है, पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और देह के संस्कार क्या, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदलने की भावना, शक अनुमान, चिंता भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या द्वेष, ये जो 10 जो नेगेटिव माइंडेड टेंडेंसीज हैं, ये आदतें हैं, संस्कार है देवान के। तो इसको इसको बुद्धि से त्याग, अपने को आत्मा समझ, और परमधाम घर में बिंदी बाप से जब कंबाइंड हो जाएंगे तो हमारे तरह से उनके कर्म विनाश होने शुरू हो जाएंगे। हमारी बुद्धि, मन और संस्कार लाइट के बन जाएंगे, लाइट के बना पवित्र बन जाएंगे, लाइट का, ये हमारा लाइट का शरीर बनेगा। और जब हम इस लाइट के शरीर के साथ, एकदम नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनता जाएगा, जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते जाएंगे। पुरुषार्थ का अर्थ क्या, पुरुष, पुरुष माना आत्मा, रथ, मैं आत्मा इस, मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान हूं, या मैं पुरुषार्थ का मतलब दूसरा है कि पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ मतलब मैं आत्मा इस, मैं अपनी सत्वप्रधान स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, ये मैं कर्म कर रही हूँ। जैसे जब पुरुषार्थ का सही अर्थ, तो ये पुरुषार्थ समय के साथ का पुरुषार्थ जो मेरा होगा कि इस समय के साथ, समय कैसा है, अंतिम समय है, तो अंतिम समय में मुझे अपनी बुद्धि को, मन को, संस्कार को, जो इसमें 63 जन्मों के पापकर्म भरे हुए हैं, स्पेशली मन में पापकर्म भरे हुए हैं, और संस्कारों, संस्कार माना आदतें बन गई हमारी, इन पांच विकारों से वश हो गई, इनके वश हम हो गए, उनके जो 10 बच्चे हैं उनके वश हो गए। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा, आलस्य, अलबेलापन, और सबके अवगुण दिखाई देते रहते हैं। कहते हैं ना, हर ब्राह्मण के अंदर तीन असुर होते हैं, उनको मारे बगैर, उनको मारने के बगैर कोई ब्राह्मण फरिश्ता नहीं बन सकता है। कौन कौन से 3 असुर हैं हर ब्राह्मण के अंदर, एक भस्मासुर, एक अकासुर, एक बकासुर। भस्मासुर माना काम विकार, कामनाएं, कोई भी इच्छा, नाम मान शान की इच्छा भी है, तो जब तक हम इसको नहीं त्यागेंगे, तब तक इसको नहीं मार देंगे, तब तक हम फरिश्ता नहीं बन सकेंगे, अर्थात ब्रह्मा बाप समान नहीं बन सकेंगे। अपनी कामनाओं का त्याग, अपनी कामनाओं का बिल्कुल जड़ से त्याग कर दो। बाबा से वायदा क्या किया है, जो खिलाओगे, जो बिठा, जहां बिठाओगे, जैसे रखोगे, है ना, वैसे हम रहेंगे। अपनी इच्छा ना हो कि मैं ऐसे, मुझे ये मिले, मुझे ये मैं खाऊं, ऐसे करूं, ऐसे नहीं, इन बातों से ऊपर चलो। भेद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति की आवश्यकता है, तभी हम एकांतवासी बन सकते हैं, नहीं तो हम एकांतवासी नहीं बन सकते, अर्थात एक के अंत में खो नहीं पाएंगे। एकांतवासी नहीं बनेंगे तब तक हम, एकाग्रता नहीं आएगी, और जब तक एकाग्रता नहीं आएगी एक नामी नहीं आएगी, जब तक एक नामी आएगी, एक नहीं आएगी, तब तक वैद से इकोनॉमी नहीं होगी। जब वैद से इकोनॉमी हो जाएगी तब एकमत बनेंगे, तब एकता आएगी, तब एक स्थिति बनेगी। तो सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, 3 बेसिक क्वालिटी आने के बाद, जो आज की मुरली में हमने सुना, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता की आने के बाद ही हमारे अंदर अंतर्मुखता आती है। अंतर्मुखता अर्थात मैं आत्मा एक सेकंड में इस देह से डिटैच हो जाती हूँ, मैं अशरीर आत्मा, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो अशरीर, मैं अशरीर आत्मा बन के परमधाम घर में अशरीर माना बिंदु बाप से कंबाइंड हो जाती है। जब मैं बिंदी बाप से कंबाइंड होकर करंट आने लगती है तो मेरे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आती है, तब मुझे दुनिया लगती है असार है, दुनिया असार है, ये दुनिया में कुछ नहीं है, ये दुनिया जाने वाली है, ये आंखों से जो दिखाई देता है सब खत्म होने वाला है, तब बेहद की वैराग्य वृत्ति आती है। जब बेहद की वैराग्य वृत्ति आती है तो अनासक्त वृत्ति आती है। अनासक्त माना कुछ खाने की इच्छा, कुछ देखने की इच्छा, कुछ सुनने की इच्छा, कुछ बोलने, किसी से बोलने की इच्छा, कुछ चीज छूने की इच्छा, वो खत्म हो जाती है। फिर हमसे बाबा से किया हुआ जो वायदा हम निभा सकते हैं, है ना, जहां बिठाओगे, जो खिलाओगे, जहां सुलाओगे, जो करो, जो भी होगा, हम उसमें खुश रहेंगे। और जब अनासक्त वृत्ति आती तब उपराम वृत्ति होती है। जब यहां से अनासक्ति हो जाएगी ना दुनिया से, देव और देह की दुनिया से, तो हमारी बुद्धि उपराम होती है। उपराम माना ऊपर जाती है। जब उपराम होती है तो एक के अंत में खो सकते हैं, एक माना परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो सकते हैं,
बिंदी बाप, मैं आत्मा बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइंड हो सकती है। जब ऐसी जब एकांत वैसी आते हैं तो एकाग्रता आती है, फिर बुद्धि में एक ही रहता है बस, मन और बुद्धि दोनों उसी तरफ लग जाते हैं। और जब मन और बुद्धि दोनों दोनों लग जाते, दोनों तार उधर लग जाती हैं, तो विक्रम विनाश होने लगते हैं, तेजी से विक्रम विनाश होने लगते हैं। विक्रम विनाश होने लगते हैं तो क्या होता है, हम जीरो स्टेज में पहुंच गए, बिंदी बाप बिंदी बन बिंदी बाप से। तो एकाग्रता जब आ गई तो फिर क्या होता है, फिर एक नामी आने लगती है। फिर मुझे हार्ट में दर्द हुआ, मुझे शुगर कुछ हो गई, कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी मन में तन में कुछ भी समस्या आई, घर में समस्या में समस्या आई, मुझे एक बाबा याद आता है। मैं हर बात बाबा से पूछूंगा, बाबा कैसे करूं, बाबा बाबा ये समस्या है, ये विघ्न आया, इसको कैसे कैसे सोल्यूशन करें। बाबा मुझे टच करेगा और मैं कैच कर लूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि में कुछ और है ही नहीं, मेरे मन में कुछ और ही नहीं है, ये एक नामी। और तब वैर से एक नामी होता, तब मेरा समय बच जाता है। मनी एनर्जी समय, तीन चीज, समय मनी और एनर्जी, तीनों ही बच जाते। और तब हम एक रस एक मत पिट एक मत अर्थात तब हम एक मत बनते हैं, तब हमारे अंदर संगठन में एकता आती है और तब हमारा संगठन एक रस बनता है। और जब हमारी ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे दैवी गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, सरलता नम्रता उदारता, सरलता आती है, क्योंकि जब तक हम एक रस नहीं बनेंगे सरलता नहीं आएगी। सच्चाई सफाई सादगी, जो दादी जानकी जी बोलते थे, सच्चाई सफाई सादगी हमारे जीवन में तब आएगी, जब सरलता आएगी तो नम्रता आती है, नम्रता आती तो उदारता आती है। उदारता माना किसी को कुछ भी करता रहे मुझे उसके संकल्प नहीं चलते, बड़ी दिल हो जाती। जैसे बाबा शिव बाबा बाप दादा हमारे सब कुछ गलतियां देखते भी हमारे अनादि और आदि देवता स्वरूप को देखते रहते हैं और उसको देख करके हमारा हमें रिगार्ड देते हैं, है ना, हमें प्यार देते हैं, मीठे बच्चे कहते हैं और सचमुच में हमें हर संबंध की पालना हर समय और हर जगह देते रहते हैं। तो ये हमें जब ध्यान रखने का, हमारी जब ऐसी स्थिति होती है तो हमारे अंदर शक्ति आती है, उदारता, और फिर उदारता के बाद मधुरता आती है, फिर हमारा बोल मीठा हो जाता है हर एक के साथ, कोई कैसा भी हो हमारा बोल मीठा हो जाता है, धैर्यता आ जाती है। जब मीठा बोल होता है धैर्यता आ जाती है, पेशेंस आ जाती है, हर काम जल्दीबाजी खत्म हो जाती है, क्योंकि कोई ऐसी इच्छा रहती नहीं कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। जब धैर्यता आती है तो गंभीरता आती है, धैर्यता और गंभीरता आपस में कनेक्शन, और गंभीरता के साथ रमणीकता भी आ जाती है, हम बहुत बोरिंग नहीं बनते, और फिर सहनशीलता। जब रमणीकता भी आती है, धैर्यता गंभीरता और रमणीकता तीनों का बैलेंस हो जाता है तो सहनशीलता आ जाती है। सहन करके भी ठंडे रहते हैं, शील माने ठंडे रहते हैं, गर्म नहीं होते। सहन शक्ति खाली नहीं, सहनशीलता, और जब सहनशीलता तो दृढ़ता आ जाती है। दृढ़ता कहते हैं दृढ़ता सफलता की जननी है, और दृढ़ता आने से हमारे अंदर संतुष्टता आ जाती, संतुष्टता जब आती है, सेटिस्फेक्शन, स्व से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, ड्रामा से संतुष्ट और परिवार से संतुष्ट, तीन सर्टिफिकेट बाबा कहते हैं, तीन सर्टिफिकेट चाहिए। और जब तीन सर्टिफिकेट मिल जाते हैं तो हम सदा हर्षित मुख रहते हैं। ऐसी हर्षित मुख आत्मा क्या करती है, जो उसे हमेशा सोमान याद रहता है, मैं बाबा का बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया। निश्चय और नशा, अटल निश्चय और नशा संपन्न, जो आज बाबा ने विश्व किशोर भाऊ ने बताया ना, उनका स्लोगन था। और मम्मा ने बताया सहन शक्ति और सामानिक शक्ति, सहन करने की शक्ति और सामानिक शक्ति मिलकर सहनशीलता बनती है। हम सहन करके समा लेते हैं सागर के समान, तो सहनशीलता बन जाती है, ये सफलता का आधार है ना। तो हर्षित मुक्ता जब आती है तो हम सम्मान में रहकर सबको सम्मान देते रहते हैं, जिससे हमारे संगठन में शक्ति आती है। और फिर संगठन में और क्या चाहिए, निमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी चाहिए, उसमें अहंकार नहीं आता, निमित भाव, बाबा करण करा बना रहे हैं, बाबा मेरे द्वारा करा रहे हैं, मैं इंस्ट्रूमेंट। निर्माण भाव, निर्माण में भी दो निर्माण, निर्माण एक निर्माण, निर्माण मान निरंकारी, दूसरा निर्माण माना कंस्ट्रक्टिव, दो निर्माण है ना, निर्माण भाव और निर्माण भाव, निर्माण बन के निर्माण करना है और फिर निर्मल वाणी हो जाती है। और फिर आज्ञाकारी, जब हम निमित्त निर्माण निर्माण और निर्मल वाणी बनती है तो हम आज्ञाकारी, बाबा के क्या आज्ञा है, सदा पवित्र भाव निरंतर योगी भाव, तो हमारे अंदर स्थिति आ जाती है,
सदा पवित्र और निरंतर योगी। खाली कहने के लिए नहीं, रियली सदा पवित्र, अर्थात मैं सदा अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदिदेव सपने सत्य स्वरूप में टिक करके स्थित होकर के दूसरे के सत्य स्वरूप को अनुभव करता हमेशा, और सत्य स्वरूप को अनुभव करते हुए सत्य सत्य में व्यवहार करता हूँ, सत्य की समझ से व्यवहार करता हूँ, किसी से लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाता है। क्या क्यों कैसे खत्म हो जाती है? निराकार बाप से कम्बाइंड ब्रह्मचारी, और हमेशा हर स्टेप पे सोचने में, देखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, पीने में, कर्म करने में, सैर करने में, सोने में ब्रह्मा पापा को फॉलो करते हैं, ब्रह्माचारी, तो पवित्रता आ जाती है। तो ये जो पवित्रता आती है तो फिर योगी, फिर योग उतना ही डिग्री का योग बनता है, ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली, एक ही एक टिक लगन की अग्नि वाला योग ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली। तो ये हमारी आज्ञाकारी, और ये जो है हमारी आज्ञा, जैसे बाबा कहते निराकार, ये जो ना आज्ञाकारी वफादार, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये ब्राह्मणों के गुण है, मतलब ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने के गुण है, देवताओं अलग होते हैं ना, क्योंकि ये ब्राह्मण तो हमारे अंदर ये वाले जो दैवी गुण कहें कि या ब्राह्मणों के फरिश्ता बनने के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। वफादार, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, फरमान बरदार, मैं जो भी करता हूं, सोचता भी हूँ, बोलता भी हूँ, देखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, सुनता, बोलना, खाना पीना, किसी संबंध संपर्क में आना, और हर बात मैं बाबा से शेयर करता हूँ, ईमानदारी, जैसा करता हूँ वैसा बाबा से शेयर करता हूँ, और फरमान बरदारी, बाबा का जो फरमान, जो भी बाबा के समय अनुसार फरमान निकलते हैं, देह दे के संबंध संपर्क दे के पदार्थ दे के स्वभाव संस्कार को बुद्धि से त्याग, अपने को आत्मा निश्चय कर, माम एकम परम धाम घर में सिर्फ मुझे ही याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, और जब तुम पावन सत्वप्रधान बन जाएंगे तो मुझसे समान बन के मुझसे मिलन बना सकेंगे, समान समान ही समीप जा सकते हैं, फिर बाबा के साथ मिलकर के सेवा कर सकते हैं। तो अब समय है भाइयों और बहनों जागने का, ये समय है, समय के साथ पुरुषार्थ करना है, इस पुरुष आत्मा को इस रथ पे रथी समझ करके निरंतर निरंतरता चाहिए, तो ये जो है जो अभ्यास हमें करना है, ये हमें गहराई से इसमें उतर जाना है। इसलिए इसके लिए जो आत्मा की जो चार स्थितियां हैं, आत्मा जो हम कहते हैं ना चार स्थिति, पहली है स्थिति है आत्मवान स्थिति, दूसरी स्थिति है देही मन स्थिति, तीसरी स्थिति है विधेय स्थिति, चौथी स्थिति है वैश्विक स्थिति। हम चारों स्थिति में बाप को याद, तो चारों स्थिति में से कौन सी स्थिति में विक्रम विनाश होते हैं? जब अशरीरी बनकर के हम अशरीरी बाप को याद करते हैं, परम धाम घर में अशरीरी बाप सदा शरीरी है, किंतु हम आत्माएं अशरीरी बनते हैं, अर्थात आत्मा अलग देह अलग। अब पहली जो स्थिति आत्मा की स्थिति क्या है, इसमें अटेंशन रखने की बात है, हमें चारों आग से मुक्त होना है ना, तो अभी लगन की अग्नि जागृत करके ये चार स्थिति का अभ्यास भी वही कर पाएगा जो ईश्वरीय मर्यादाओं से कहते ना, ईश्वरीय मर्यादाएं जो है, हमें ईश्वरीय मर्यादाएं मिली ना, उसमें फिटिंग चाहिए पहले, तब सीट की सेटिंग होती है। 108 की माला में आना है ना, तो एक तब 108 की माला में विजयी रत्न हम बन सकते हैं, तो पहले हमारी ईश्वरीय मर्यादाओं की फिटिंग है कि नहीं चेक करो। पहली मर्यादा पवित्रता की, जितनी अधिक पवित्रता, पवित्रता का मैंने बताया ना, पवित्रता की बात की, वैसे तो मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं संबंध संपर्क और सोपन में भी किसी भी विकार का वार नहीं होना चाहिए मेरे अंदर, ना काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना अहंकार, इनके ना कि अंश वंश का भी वार होता है तो वो भी अपवित्रता है। ये तो इसकी नेगेटिव डेफिनेशन हो गई। एक पॉजिटिव डेफिनेशन क्या है, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप में स्थित होकर के दूसरी जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आ रही है उनका भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप सत्य स्वरूप को देखो अनुभव करके, और तब सत्य में व्यवहार करो, सत्य की समझ से व्यवहार करो, ABCD, मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, हम दोनों का पिता परमात्मा है, हम दोनों आत्माओं के संबंध उस परमात्मा के साथ है, और आमा आत्मा आपस में भाई भाई, और ड्रामा शिष्य रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, हर आत्मा अपने इस जन्म पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर, और परमात्मा शिव बाबा क्या होना है, शिष्य रूपी ड्रामा क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर सुप्रीम जस्टिस है, और हर आत्मा को इसके उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार,
कर्मों का हिसाब किताब क्या है? कर्मों का हिसाब किताब है, अगर 100 साल पहले किसी से आपने 10 रुपया उधार लिया था तो 100 साल के बाद उसका ब्याज कितना हो जाता है? हिसाब किताब मतलब ब्याज के साथ, मतलब उसका ब्याज होता है 4,18,35,040 रुपया। अब आपको 100 साल के बाद वो वही आत्मा, वही दोस्त जिससे आपने 10 रुपया उधार लिया था, वो आपके घर में आपका या तो पति बन के, पत्नी बन के, माँ बाप बन के, या भाई बहन बन के, या बच्चा बन के आएगा, बच्ची बन के आएगा, या बिजनेस पार्टनर बन के आएगा। और उसको आपको 10 रुपये तो वापस करने ही, मूलधन तो वापस करना ही है, कि तो साथ साथ 4,18,35,040 रुपये वापस देना। अगर 100 साल पहले किसी को आपने 2 गाली दी थी तो इस जन्म में उसके ब्याज कितना हो गया, आप अपने आप अंदाजा लगा लेना इस हिसाब से। मतलब कम से कम 10,000 बार तो गाली खानी पड़ेगी। अगर एक बार भी बीच में उस गाली का जवाब दे दिया आपने तो फिर डबल हो जाएगा। किसी ने आपकी किसी किसी की आपने 100 साल पहले इंसल्ट की थी तो इस जन्म में आपको कम से कम 10,000 बार आपकी इंसल्ट करेगा और आपको चुपचाप सहन करके समाना पड़ेगा। सुना? इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। कोई तुम्हें शरीर में कर्म भोग है, कोई परिस्थिति है, कोई पैसा कर्जा हो गया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके मकान काबू कर लिया, प्लॉट काबू कर लिया, आपके बिजनेस में गड़बड़ कर दी, तो ये कर्मों का हिसाब, इसे चुपचाप सहन करके संभालो, बाबा की याद से टिक जाओ। और वर्तमान में अभी तक जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अभी हमको समझ मिल गई है। पहले हमें समझ नहीं थी, हम बेसमझ थे, पत्थर बुद्धि थे, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। अब सत्य की समझ हमको आ गई है, ABCD हमको आ गई है। हमें रोज मुरली पढ़ रहे हैं, रोज मुरली का हम सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन करते रहते हैं, दिन रात घूटते रहते हैं मुरली को, ना अपनी घूट तो नशा चढ़े। तो अभी हमको अब बाबा की गोद, शूद्र से बाबा ने क्या किया, मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया है। ब्राह्मण का मतलब ये है हम बाबा की गोद में बैठे, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में बैठे, और बाबा अपने गोद में बैठा के हमको राजयोग सिखा रहा है, रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान समझा रहा है, और हर संबंध की पालना हर समय और हर जगह दे रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी होने वाला क्या है, बहुत अच्छा होने वाला, क्योंकि मैं अभी क्या बनने वाला हूँ, ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता, और बीज रूप स्थिति को प्राप्त करके बाबा के साथ घर जाने वाला हूँ वापस। तो सारा दिन इस ABCD का मनन मना रिवाइज करो, मुरली मना ABCD मना मुरली, तो बाबा की मुरली को, जैसे मुरली आज की है, इतनी बढ़िया मुरली है बाबा की आज की, मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। सारा दिन मनसा शक्ति क्या होती है, इसी गहराई में चले जाओ, उतर जाओ इसकी गहराई में, क्या है मनसा शक्ति, कैसे हम मनसा, क्योंकि अब सुनने सुनाने का समय पूरा हो गया है, अभी तो मनसा शक्ति का समय है, मनसा सेवा करने का समय है। और मनसा सेवा वही कर सका जो निर्भय होगा, सत्यता पवित्रता निर्भयता, वो जब अंतर्मुखी होकर के भेद की वैराग्य वृत्ति, सनासक्ति वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवासी एकाग्रता, जो बात की ना हमने थोड़ी देर पहले, एक नामी वैद से, एक नामी एक मत एकता एकल स्थिति में जब टिके होंगे, जब दैवी गुण जो हमने बताए 18 जो 26 दैवी गुण हमने बताए डिस्कस किए, वो जो है हमारे अंदर जब आ जाएंगे, तब हम मनसा सेवा कर सकेंगे। तो जितना हम घूटते जाएंगे इस मुरली को, एक 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 महावाक्य की हम गहराई में चले जाएंगे, एक एक महावाक्य की उसकी अनुभव करेंगे, मनना रिवाइज करें, चिंतना गहराई में मुझे बनना है, मंथन कैसे बनना है, लगन की अग्नि से जागृत होकर बाबा से कंबाइंड हो जाएंगे, फिर बाबा से जो मक्खन निकलेगा ना, मक्खन मंथन से मक्खन निकलेगा, सिमरन माना उसको कार्य करते समय कार्य में लगाएंगे। कहते सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, तो तब हमारे जब हम सिमर सिमर मतलब जो बाबा से मक्खन मिला है आज, उसको हर कार्य करते समय कार्य में लगाना है प्रैक्टिकल, तब हम स्मृति स्वरूप बनेंगे, अर्थात अंदर रिकॉर्डिंग आ जाएगी हमारे अंदर, यही योग है, यही स्थिति है, यही हमको ध्यान रखने का है। तो इसको बोलते हैं आत्मा स्थिति, अर्थात हम देह में रहते हुए बार बार अपने को मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान, इसको बार बार अंदर अंदर अनुभव करते रहते, एक एक संबंध की अनुभूति, जो मुख्य 9 संबंध है, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सज्जन बच्चा, मुख्य 9 संबंध एक एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है ना, और आत्मा के 7 एनर्जी के अनुभव की अथॉरिटी बन जाती, और ड्रामा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो हो रहा सबसे अच्छा। तो जब ऐसा हम करते जाते करते, इसको बोलते हैं आत्मनिस्थिति।
इससे देही मन स्थिति पैदा होती है, अर्थात हमारे अंदर पवित्रता पैदा होने लगती है, हमारी बुद्धि शुद्ध होने लगती है, हमें अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप की स्मृति आने लगती है, आदि देवता स्वरूप की स्मृति हमारे अंदर जागृत होने लगती है, और दूसरी आत्माओं के भी ये भी अनादि और आदि देवता स्वरूप की स्मृति हमारे सामने इमर्ज होने लगती है। तब हम सत्य की समझ से लोगों से व्यवहार करने लगते हैं, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाता है, क्या क्यों कैसे खत्म हो जाता है। और फिर हमारे अंदर क्या होता है, जब लगाव झुकाव प्रभाव टकराव होता है, क्या क्यों कैसे खत्म, तो हम ब्रह्मचारी, क्योंकि क्या क्यों कैसे है तो ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हम, निराकार भाव से कंबाइंड नहीं हो सकते, ब्रह्मा भावा को फॉलो नहीं कर सकते जो सिक्वेंस में है। जब हम क्या क्यों कैसे अर्थात वैध संकल्प खत्म होंगे तो हम ब्रह्मचारी बन जाते हैं, निराकारी भाव से निराकार आत्मा बन के निराकार भाव से कंबाइंड हो जाते हैं, करंट आने लगती है, और निराकार जब करंट आने लगती है तो क्या होता है, फिर हमारे अंदर क्या होने लगता है, फिर हमारे अंदर जो है वो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने की करंट शक्ति आने लगती है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए करंट चाहिए, शक्ति चाहिए, ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं कर सकते, हर संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, हर श्वास ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, श्वासों श्वास हर सेकंड में शिव बाबा को फॉलो किया, शिव बाबा से कंबाइंड रहा, शिव बाबा की श्रीमद को फॉलो किया, तो शिव बाबा से बिना कंबाइंड हुए हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। कई कहते हैं ना ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी ऐसी बोल देते हैं, तो ब्रह्मचारी तब हो सकते हैं जब हमारे अंदर लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म होगा, क्या क्यों कैसे खत्म होगा, और जब क्या क्यों कैसे खत्म होगा तो तभी हम लोग ब्रह्मचारी बन सकते हैं। तो ये संपूर्ण पवित्रता हमारे अंदर, इसको बोलते हैं देही मन स्थिति। अब सचमुच में देही फील होने लगी है, देही मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म होता जा रहा है, क्या क्यों कैसे खत्म होता जा रहा है, बाबा से कंबाइंड रहता हूं, ब्रह्मा बाबा मेरे सामने हमेशा रहता है। तो जब ऐसा पवित्रता आ जाती तो हम अब ऐसा सोचता बाप से कंबाइंड, हम ऐसा फील करते परम धाम घर में सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ रहने लगता, ऐसा फीलिंग होने लगती है, अनुभव होने लगता है, हर संबंध से बाप के साथ अनुभव होने लगता है, तो हमारे अंदर शांति आ जाती है। ऐसा सोचता है ना, बाप कुछ सोचता ही नहीं है, तो पास्ट का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है, हम वर्तमान में बाबा के साथ, अब ऐसा सोचता बाप से कमाइंड को सोचने लगते हैं, तो पास्ट के 90% विचार आने बंद हो जाते हैं, हम सबको माफ हील हो जाते हैं, इसने ऐसा किया उसने धोखा दिया, सब विचार आने खत्म, भविष्य की चिंता खत्म, वर्तमान में हम टिक जाते हैं, वर्तमान में उससे कंबाइन होकर सोचते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, सैर करते हैं, सोते भी उस बाबा के साथ कंबाइन, इसको बोलते हैं शांति। तो जब बाबा के साथ कंबाइन रहने लगते हैं सोचता बाप से, तो अभी क्या आने लगता है, अभी हमको रूहानी प्यार आने लगता है, हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा सबको कैसे कैसे सबको कोई भी कैसा भी बच्चा होता था, या बाहर वाले नॉन बी के भी जाते थे, बाहर के इंस्पेक्टर भी आते थे, और भी लोग आते, नए नए बच्चे मिलने आते थे बाबा के पास, तो बाबा सबको कैसी एकदम रूहानियत की फीलिंग दिलाते थे, सबको बिना किसी शर्त के, उनके हर रोल के साथ, हर पार्ट के साथ, कोई भी पार्ट हो, कैसा भी पार्ट हो, बाबा सबको दिल से स्वीकार करते थे, और सबको गुलाब, खिले हुए गुलाब के फूल के माफिक खुशबू देते थे, है ना, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतिंद्र सुख, आनंद और सब शक्तियों से भरपूर होकर व्यवहार करते। जैसे अभी भी हमने अवैध बात आता है, देखते हैं कैसे बाबा सबको मीठी मीठी दृष्टि देता है, सबको वरदान देता रहता है दृष्टि के द्वारा, कैसा भी बच्चा हो, चलता है नहीं चलता है, धारणा मूर्त है कि नहीं है, सबको दृष्टि प्यार से देता है, बल्कि जो कमजोर होते हैं उनको ज्यादा दृष्टि देता है, ज्यादा प्यार से देखता है, ऐसा होता है नहीं होता है? तो ऐसी, तो ये जो स्थिति ना, पवित्रता, शांति और रूहानी प्यार की स्थिति, विश्व में हर आत्मा को दिल से, कैसा भी आतंकवादी भी हो, चोर हो, डाकू हो, कुछ भी हो, सबको दिल से स्वीकार करते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी, दिल से सम्मान से स्वीकार करते हैं, उनकी पूरी पालना करते हैं, पंजाब में से बहनों ने करके दिखाया, आतंकवादियों को भी उनसे डरे नहीं, प्यार से उनकी पालना की, तो वो आतंकवादी कुछ सेंटरों खराब करके नहीं गए, बल्कि और ही प्रोटेक्शन किया उनका। जब ऐसा हम सबको प्यार करने लगते हैं, सबसे सबको स्वीकार करते, पूरे विश्व में हर आत्मा से हमारा प्यार, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं हर रोल के साथ, तो फिर अब हम ऐसी स्थिति में हमारी मन बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और हम अब सूक्ष्म वतन में, बाबा के दिल में पहुंच जाते हैं, अब बाप दादी के बोध का अनुभव करते हैं, ऐसा महसूस होता है पाना था सो पाले काम के बाकी, सर्व प्राप्ति अनुभव होने लगती है, संतुष्टता आ जाती है, इच्छा मात्र में अविद्या हो जाती है, इसको बोलते हैं अतिंद्रिय सुख।
तो सूक्ष्म वतन की स्थिति जो है बाप दादा के गोद की स्थिति को हम अतिंद्रिय सुख की स्थिति कहते हैं। यह विधेयी स्थिति है। मैंने कहा था ना आत्म मन स्थिति, देही स्थिति और विधेयी स्थिति। ये विधेयी स्थिति एक तो हम पवित्रता शांति रूहानी प्रेम जो बात है ना, तो हम देही हमारी स्थिति में जब बाबा को याद करते हैं ना तो फिर हमारे अंदर हमारी विधेयी स्थिति बनने लगती है, अर्थात हमें अतिंद्रिय सुख की अतिंद्रिय सुख का झूला महसूस होता है। और आनंद माना जब हमारी इच्छा मात्र में विद्या खत्म हो जाती है, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तो अब मैं आत्मा अपने पवित्र बुद्धि पवित्र मन के साथ पवित्र संस्कार के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ एकदम कंबाइंड हो जाती हूँ, उसके मतलब एकदम आनवाना बंधन मुक्त हो जाती हूँ, बाबा और मैं, बाबा और मैं, बस संकल्प चलने भी बंद हो जाते हैं, तो आनंद की स्थिति होती है। तो ये जो स्थिति है अत्यंत सुख आनंद, इसको विधेयी स्थिति कहते हैं। अब विधेयी स्थिति में रहकर जब भी हम बाप को याद कर सकते हैं, फिर एक जो स्थिति है जब विधेयी स्थिति बन जाती है, अत्यंत सुख आनंद का रियल अनुभव हो जाता है, अब हमको सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है। सत्य को परखने की शक्ति आई, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति दिव्य बन जाती है। और हमारा जो है, हमारा क्या होता है जब हमारी अब विस्तार सार में सिमट जाता है, पूरे झाड़ से मन बुद्धि, देव और देह की दुनिया के झाड़ से मन बुद्धि निकल के एकदम सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में बस मन बुद्धि समेट उसी में लग जाती है, जिसको बोलते हैं विस्तार को सार मिलाना, समेटना कैसे, फिर वहां से भी मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड, ये इसको बीज रूप स्थिति कहते हैं। अभी बीज अब हम बाबा के साथ कंबाइंड बीज रूप करंट आने लगती है, बीज रूप स्थिति में बिंदी बिंदी लगानी आ जाती है। जब बिंदी लगानी आती है तो सहन शक्ति आने लगती है। किसी ने कुछ भी किया और शरीर में क्रम हो गया, किसी को तंग कर रहा है, कोई विघन आया है, कहीं आस पड़ोस से कहीं साथियों से विघन आ रहा है, नौकरी पे विघन आ रहा है, घर में समस्याएं आ रही हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बीमारी आ गई घर में, है ना, सहन करने की शक्ति आती, समाने की शक्ति आ जाती है, बिंदी लगानी आ गई ना और प्रॉब्लम्स आने वाली, चैलेंज आने वाले, सामना करने की शक्ति आ जाती है और फिर सहयोग करने की शक्ति आ जाती है, आठों शक्ति अशक्ति संपन्न बन जाती है। अब जब अशक्ति संपन्न बन जाते तो इसको बोलते हैं अशरीरी स्थिति। अब ऐसे अब मैं आत्मा बिंदी बन सकती हूँ, बिंदी बन के बिंदी बाप से परम धाम घर में बिंदी, अब बिंदी जब बिंदी से बन जाती मिल जाती है तो हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं। जो भी हमने हाई फ्रीक्वेंसी जो पाप किए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो हमसे जाने अनजाने इस जन्म में पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब तरह से जन्म में पाप कर्म किए, वो भस्म होने लगते हैं। इस तरह से जब हम अशरीरी बन के अशरीर बाप को याद करते तो हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं, देहभान का अंश खत्म होने लगता है। तो इस तरह से जब हम ये इस समय ऐसा करने का समय है, जब हम ऐसा करेंगे तो इसे हम कहेंगे हमारे दिल सच्ची और साफ हो गई, अर्थात मेरी चेतना में साफ और मेरा विवेक जागृत हो गया, निर्णय शक्ति दिव्य हो गई, चित शांत, चित चित किससे बनता है, छह शक्तियों से बनता है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति, छह शक्तियों से मिलकर हमारा चित्त बनता है। तो हमारा चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो जाता है और जैसा चित्त वैसा चिंतन, अर्थात जब मेरा चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो जाता है तो मेरा चिंतन, अब चिंतन क्या चलेगा, अब जो सुबह मुरली चली ना मैं और उसी का चिंतन चलेगा, इसको बोलते हैं शुभ चिंतन। बार बार ये मुरली में आएगा, बाबा बाबा ने मुझे कितने विशेष रतन हूँ बाबा का, मैं बाबा ने मुझे चुना है, मैं सच्ची दिल वाला साफ दिल वाला बच्चा हूँ, बाबा को मुझसे प्यार है, अब मैं दुआएं कमाता हूँ, सच्ची दिल साफ दिल वाले बच्चे दुआएं कमाते हैं, बाबा के दिल तक पे बैठे होते हैं, तो सारा दिन ये दर्द चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और जब ये क्या, जब कोई भी विचार को बार बार गहराई से करते तो भावना बन जाता है, तो भावना बन जाए, शुभ भावना बन जाएगी। अब ये भावना क्या होगी, जब मैंने क्योंकि बाबा ने बताया तो मेरी मेरी भावना से वाइब्रेशन बाबा तक पहुंचेंगे, मेरे वाइब्रेशन बाबा तक पहुंचेंगे और बाबा के जो वाइब्रेशन 100 गुना होकर मेरे पास वापस आएंगे, हीलिंग वाइब्रेशन 100 गुना होकर मेरे पास आएंगे, तो क्या बाबा छत्र छाया के रूप में हो जाएगा। फिर सारा दिन मैं अगर मुरली के ही सारा दिन मनन चिंतन करता रहा हूं, मैं बाप बाप ने बाप मैंने बाप को पहचाना, बाप ने मुझे पहचान लिया, पसंद कर लिया, है ना, क्योंकि बाबा को दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले, है ना, जैसे बाबा की एक ही लाइन है, मान लो ये लाइन मेरे अंदर गूंज जा रही है, बार 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 गूंज रही, तो मेरी वृत्ति कैसे हो जाएगी, रूहानी वृत्ति, अर्थात मेरी वृत्ति बाबा से जाके मिल जाएगी, अर्थात मैं बाबा के पास सूक्ष्म वतन में यहाँ बैठे बैठे भी रहते भी काम करते भी सूक्ष्म वतन में पहुंच जाऊंगा, बाप दादा के दिल में पहुंच जाऊंगा, और रूहानी वृत्ति फिर रूहानी दृष्टि
बाबा से कंबाइंड होकर सब हर चीज को देखूंगा, चाहे घर में या ऑफिस में या दुकान कहीं भी। तो मेरी दृष्टि रूहानी, दृष्टि रूहानी, जब बाप समान रूहानी दृष्टि, बाप समान रूहानी वायुमंडल बन जाएगा। उसके असर में फिर मेरे को एक गुण जो है दैवी गुण है ना, पवित्रता है, शांति है, जैसे हमने बात की ना शांति क्या है, रूहानी प्रेम क्या है, अतीन्द्रिय सुख क्या है, आनंद क्या है, फिर मुझे एक का अनुभव बन रहा है इंप्रेशन, ये बढ़िया बढ़िया इंप्रेशन, बहुत गहराई से शांति क्या होती है। शांति माना वर्तमान में बाप से कंबाइंड होके रहना, रूहानी प्रेम माना बाप के साथ कंबाइंड होके हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ दिल से बिना किसी शर्त के स्वीकार करना और उनकी गुलाब के फूल के माफिक खुशबू देना उनको, उनकी पालना करना। अतीन्द्रिय सुख माना क्या, संतुष्टता, इच्छा मात्र विद्या, बाप से सब कुछ प्राप्त हो गया, अब मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। आनंद माना क्या, बंधन मुक्त स्थिति, कोई इच्छा नहीं, बस बाप और मैं बस। तब सत्य को प्रकट शक्ति, सब शक्तियां आठ शक्तियां आ गई, तो मुझे क्या होगा अभी मेरे अंदर, ये क्या हो जाएगा मेरे अनुभव, एक एक उनका अनुभव, एक एक शक्ति का अनुभव, एक एक ज्ञान की पॉइंट का अनुभव, गहराई से अनुभव, ये अनुभव मेरे अंदर, अथवा अनुभव की अथॉरिटी बन जाऊंगा। और फिर उससे क्या होगा, उससे मेरे अंदर अनुभव की अथॉरिटी बनने से मेरे अंदर क्या आ जाएगा, उससे फिर मेरे अंदर मेरे बाप के साथ एक एक संबंध की अनुभूति होगी, एक एक संबंध, माँ का संबंध क्या, माँ के रूप में बाबा ने क्या कहा, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे दी, बाप के रूप में क्या दिया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, और टीचर के रूप में क्या किया, मुझे त्रिकालदर्शी बना दिया, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप, न्यारा पैरा फरिश्ता स्वरूप बना दिया। तो सारे चक्र घूमता रहेगा, और टीचर के रूप, सतगुरु के रूप में मुझे गति सदगति, सतगति सदगति दे दी, मुक्ति जीवन मुक्ति दे दी, या कहो मुझे त्रिलोकी नाथ बना दिया, मुझे अथॉरिटी दे दी, तरह से उनके विक्रम विनाश करके मैं कभी सूक्ष्म में जाऊँ, परमधाम में जाऊँ, सुखधाम में जाऊँ, मल्टीपल एंट्री वीजा मिल गया। बंदूक के रूप में मुझे सारे मेरे बोझ ले लिए, लौकिक अलौकिक बोझ बाबा ने कहा मुझे दे दो, तुम हल्के होके रहो, डबल लाइट होके रहो। सखा के रूप में जो कोई मुझसे जाने अनजाने पाप हो गए मैं बाबा से शेयर कर लिया। साजन के रूप में बाबा ने मुझे दैवी गुणों से सजा दिया ना, 36 दैवी गुणों से सजा दिया और उससे भी संपूर्ण कर दिया, 16 कला संपूर्ण बना दिया। और फिर सज्जन के रूप में, साजन के रूप, सज्जन के रूप में क्या किया, मुझे मेरे अंदर जो विकारों का अंश था ना, काम करो तो लोग उसका भी ऑपरेशन करके बाहर निकालते हैं, कीड़े होते ना, कीड़े अंदर चले जाते ना, निकाल के बाहर निकालता रहता, बाहर निकालता रहता। बच्चे के रूप में, वारिस के रूप में मैं तन मन धन सब कुछ बाबा के बारे में बलिहार कर दिया, सरेंडर कर दिया, बाबा ये सब तेरा है, मैं भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, जैसे आप कहोगे वैसे मैं यूज करूँ। तो एक एक संबंध की अनुभूति गहराई से होने लगती है, ये हमारी मान्यताएं बदल जाती है, फिर लगता है भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा हमेशा हर जगह मेरा साथी है, हर जगह मेरा संबंधी है, हर समय हम मेरा संबंधी है, हमेशा सा जैसे बिलीफ सिस्टम होते ना, ये हमारा नया बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ईश्वर अपने साथ है फिर डरने की क्या बात है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा, कभी ना कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ऐसा फिर हमारे संस्कार, फिर बाबा के साथ मिलकर हर काम करते हैं, देखते हैं, खाना खाते हैं, सैर करते हैं, तो ये हमारे नए संस्कार बन जाते हैं। तो नए संस्कार बनने से क्या होता है, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा माना मेरा स्वभाव, मेरे स्वभाव जो ये सात गुण ना आत्मा के, ज्ञान गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद जो मेरे मन में भरे पड़े हैं वो मेरे चेहरे पे दिखाई देने लगते हैं। चेहरा मतलब मेरे जो नैन कैसे न्यारे प्यारे लगते, मेरे बोल न्यारे प्यारे, किसको फंसाने वाले नहीं, कान भी करण भी अच्छी बातें अंदर जाती है, मन माना चेहरा और चलन माना मेरे संस्कार, कर्म मेरी आदतें, वो सारे कर्म जो है जैसे बाबा करते ब्रह्मा बाबा, ऐसे मेरे संस्कार, वैसी चाल, वैसे बोल, वैसे सब कुछ, और तब मेरा व्यवहार आहार और विहार बन जाता है। व्यवहार मेरा, व्यवहार में सातों गुण भर जाते हैं, दैवी गुण भर जाते हैं, है ना, सबसे अपने आप से भी दूसरों से भी। और जब मेरा ऐसा व्यवहार बदल जाता है, आहार बदल जाता है, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक क्या होता है, मेरे अंदर तब व्यवहार आहार विहार, विहार आहार मेरा टोटली वैष्णव हो जाता है। खाली आहार भोजन मुख से नहीं, आंखों से भी क्या खाते हैं, क्या देख रहे हैं, आंखों से क्या पढ़ते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, नाक से क्या सुनते हैं, वो भी हमारा वैष्णव सातों गुणों से भरपूर हो जाता है। और बिहार, बिहार माना वायुमंडल, मेरे आसपास वायुमंडल सदा पवित्रता का, वायुमंडल पवित्रता का ऑरा रहता है, बहुत बड़ा ब्रह्म मंडल बन जाता है,
और संग हमेशा बाबा और मुरली का संग रहता है, और क्या रहता है, सैर, व्यायाम, व्यायाम भी बाबा के साथ, मन का भी व्यायाम और तन का भी व्यायाम बाबा के साथ कंबाइंड होकर करते हैं, और नींद बाबा से कंबाइंड होकर करते हैं, सोने से पहले बाबा को हर चीज़ वेंटिलेट करते हैं, और एडिक्शन फ्री लाइफ, ना चाय कॉफ़ी की आवश्यकता नहीं, कोल्ड ड्रिंक की आवश्यकता नहीं, शराब की आवश्यकता नहीं, बीड़ी सिगरेट की आवश्यकता नहीं, लहसुन प्याज की आवश्यकता नहीं, कोई चीज़ की आसक्ति नहीं, सिंपल भोजन, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। जब ऐसा व्यवहार आहार और विहरण लगता है तो हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, हम कर्मेंद्र जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत बन जाते हैं, फिर लाइट हाउस माइट हाउस बन जाते हैं, और फिर ऐसी आत्मा अव्यक्त कर्मयोगी फरिश्ता बन के कलवृक्षी जड़ में बाप दादा के साथ कंबाइंड रहती है, साथ में अष्टरत्न 108 रत्न उनके साथ, सारे कलवृक्ष की 16,108 आत्माओं की, 9,00,000 की, 18,00,000, 2 करोड़, 33 करोड़, 800 करोड़ आत्माएं, और पांचों तत्व आकाश अग्नि वायु जल पृथ्वी को सारा दिन उठते बैठते खाते पीते आधार मूर्त उद्धार मूर्त उदाहरण मूर्त बन के सारे कलवृक्ष की सेवा कर, ये समय है जागने का, ये मनसा सेवा, जब हमारे वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन कहाँ तक जाते हैं, पूरे विश्व में हर आत्मा तक पहुँच जाते हैं, जब इन बाबा के मुगली के संकल्प को गहराई में जाएंगे तो वाइब्रेशन सारे विश्व में फैल जाएंगे, और फिर वृत्ति हमारी ऐसी हो जाएगी, वायुमंडल इतना बड़ा हो जाएगा, औरा इतना बड़ा हो जाएगा, तो मुझ औरा से क्या होगा, बाबा से कैसे कंबाइन में परमधाम में बाबा सूक्ष्म बाबा के साथ रहूंगा या परमधाम में, और वहां से फिर वो मिसाइल्स समझते हैं ना, वो मेरे जो वाइब्रेशंस जिन भी आत्माओं को आवश्यकता होगी उनको अपने आप पहुंचाएंगे, मनसा सेवा होती रहेगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके द्वारा चाहे यूएस में हो, यूके में हो, चिली में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, उन आत्माओं को जिनको भी आवश्यकता है उनको अपने आप ही आपके फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होता रहेगा, बाप का साक्षात्कार होता रहेगा, उनको जो चाहिए उनको मिलता जाएगा, आपको विशेष उनको याद करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप पहुंचे, और आपकी दृष्टि और वायुमंडल से और आपकी जो स्मृति जो बताया ना, अनुभव, इम्प्रेशंस, बिलीफ सिस्टम्स और संस्कार, वो आपके वंडरफुल, आपकी जो व्यवहार आहार विहार, आप एक सैंपल बन करके फिर आने वाले समय में सत्य पहले बीज रूप बन के बाबा के साथ वापस जाएंगे, फिर परमधाम से वाय सूक्ष्म बतन जाएंगे, परमधाम से सूक्ष्म में आके ब्रह्मा बाबा के साथ, मम्मा के साथ हम नीचे उतरेंगे, प्रायर फैमिली में रहेंगे, और फिर त्रेतायुग में आएंगे, और फिर उसके बाद द्वापर में भी हम लगभग 4,000 साल से अधिक समय हम संपन्न और संपूर्ण, और अंत में जब गिरेंगे तब भी हम अच्छे होंगे, और तब बाबा मिल जाएगा, फिर हम बाबा के बच्चे बन के वापस सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से समय के साथ ऐसा पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, पवित्रता, जो हमारे जो मर्यादा है ना, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग, और दैव्य गुणों की धारणा, ये चार जो मर्यादाएं हैं ना, जितना इसमें फिटिंग ठीक होती जाएगी ना फिटिंग, उतना आपकी सीट की सेटिंग ठीक होती जाएगी। महावीर जो होते हैं वो बनते हैं अष्टोत्तम, जो कभी माया से हारते नहीं, महारथी वो बनते हैं 100 आत्माएं, 108 अर्थात जिनकी जिनकी पांचों कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, पांचों कर्मेंद्रियां उनके वश में होती हैं, और घोड़े सवार जो होते हैं वो बाकी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, जिनका मन कंट्रोल में नहीं आता, प्यादे जिनकी कोई ना कोई कर्मेंद्री कंट्रोल में नहीं आती, कोई ना कोई कर्मेंद्री, कभी कोई आँख, कभी नाक, कभी खाना है, कभी देखना है, कभी सुनना है, कभी बुद्धि कहीं ना कहीं भटकती रहती है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्मेंद्री अपनी तरफ भटक, प्यादे इसको बोलते प्यादे पैदल, उनका पुरुषार्थ कभी तेज नहीं चलता, वो फिर प्रजा में चलता। क्या बनना है, अष्टतम 108, 16,108, 9,00,000, 18,00,000, 2 करोड़, 33 करोड़, 33 करोड़ तक तो देव तो भक्त आत्माएं बनती है। तो हम बच्चों को त्रेतायुग के, हम बच्चों को तो सत्युग में आना है, राजा रानी बनना है, सत्य को स्वर्ग कहते हैं, त्रेता स्वर्ग नहीं है, तो सेमी स्वर्ग है, वहां तो फेल होने वाले जाएंगे, 33% से कम नंबर वाले जाएंगे। तो बाबा ने कहा दही हमारी स्थिति वाले ही स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे, अर्थात वो ही जो दही मानी पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, जिनमें देहवान का जरा भी अंश नहीं होगा, वो ही
पास हो सके, और दही मानी स्थिति वाले ही 16108 के पुस्तक पहुंचेंगे, जिनमें थोड़ा भी देवान का अंश रहेगा वो प्रजा में चले जाएंगे, दास दासी बन जाएंगे। तो अभी ऐसा पुरुषार्थ करो, यही हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का साधन है, यही इससे हम कोरोना से मुक्त हो सकेंगे। अपने मन में टीवी ना देख देख करके बार बार टीवी में घबराओ मत, अपना शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, सत्संग करो, सत्संग माने बार बार मुरली को सारा दिन पढ़ते रहो, मनन चिंतन करते रहो, तो आप देखेंगे आप मजबूत हो जाएंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा आपके मस्तक से दिखाई देगा, आपके नैन म्यूजियम बन जाएंगे, चलते फिरते आप सेंटर ब्रह्मा कुमारी सेंटर बन जाएंगे, म्यूजियम बन जाएंगे, आपका मस्तक सबको बाबा का दर्शन कराएगा, बाबा की प्रत्यक्षता कराएगा। ओम शांति। एक मिनट हम साइलेंस में बैठे, आप सभी टिक जाओ, महसूस करो अंदर से, रियलाइज करो कि मैं देह नहीं, स्थूल देह ने स्थूल देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु का, और महसूस करो कि जो मुझ आत्मा से कैसे सात एनर्जी, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतेंद्रिय सुख, आनंद, आठों शक्तियां अशक्तियां मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को पोषित कर, पांचों कर्म इंद्रियों को पोषित कर रहे हैं, आंख नाक कान मुख और भारी त्वचा अंदरूनी त्वचा और शरीर की 80,000 कोशिकाओं को पोषित कर रहे हैं। मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव की संतान, जो सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, ज्ञान के पावर हाउस, पवित्रता के पावर हाउस, शांति के पावर हाउस, रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद और सर्वशक्तियों के पावर हाउस, मैं आत्मा अपनी मन और बुद्धि दोनों तारों को परमात्मा पिता से जोड़ देते हैं। महसूस करें मैं आत्मा सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से चार्ज होती जा रही हूं, कैसे मेरी मस्तिष्क की एक एक कोशिका, शरीर की एक एक कोशिका इन सातों एनर्जी से भरपूर होती जा रही, मेरी एक कोशिका में ज्ञान था सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद और सर्वशक्तियां भरपूर होती जाए। इससे मेरे मन और शरीर की सभी समस्याएं, सभी रोग समाप्त होते जा रहे हैं। महसूस करें गहराई से।